हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने जैव विकास इवोल्यूशन के 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ये उसका सेकंड पार्ट है, इसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। यहाँ पर हमारा 51st क्वेश्चन है, निम्न में कौन समजात अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस ऑर्गन्स? ए मानव की आँख तथा स्क्विड की आँख, आईज ऑफ मैन एंड आईज ऑफ स्क्विड, बी मछली के गलफड़े तथा मानव के फेफड़े, गिल्स ऑफ फिश एंड लंग्स ऑफ मैन, सी मानव के हाथ पक्षी के पंख, हैंड ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव के हाथ तथा पक्षी के पंख, हैंड ऑफ मैन एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हेल, चमगादड़, चीता तथा मनुष्य के अग्रपाद उदाहरण है। फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, टाइगर एंड मैन आर एग्जाम्पल्स ऑफ ए समजात अंगों के होमोलोगस ऑर्गन्स, बी समवृत्ति अंगों के एनालोगस ऑर्गन, सी समवसी अवशेषी अंगों के वेस्टिजियल ऑर्गन, डी होमोप्लास्टिक अंगों के होमोप्लास्टिक ऑर्गन। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, समजात अंगों के होमोलोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तितली और पक्षी के चमगादड़ के पंख हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड एंड बैट आर ए समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन, बी समवृत्ति अंग एनालोगस ऑर्गन, सी असंबंधित अंग अनरिलेटेड ऑर्गन, डी अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एनालोगस ऑर्गन समवृत्ति अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से समवृत्ति अंग है? Which of these are analogous organs? A. कीटों के पंख तथा पक्षी के पर, wings of insects and feather of birds, B. घोड़ों के अग्रपद तथा मानवों के हाथ, four limbs of horse and hands of human beings, C. चमगादड़ों के पंख तथा पक्षियों के पर, wings of bats and feather of birds, D. मछली के पखने तथा पेंगुइन के ओर्स, fins of fish and oars of penguins। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कीटों के पंख तथा पक्षी के पर, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड फेदर्स ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों के पंख तथा पक्षियों के पंख निम्न के उदाहरण है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स आर द एग्जांपल्स ऑफ ए एनालॉगी, बी होमोलोगी, सी सीरोलॉगी, डी मिमिक्रिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एनालॉगी। कीटों के पंख और पक्षियों के पंख जो है वो एनालॉगी के उदाहरण होते हैं। 56 क्वेश्चन, चमगादड़, टिड्डे एवं कंप्यूटर के पंख होते हैं। विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट एंड पिजन आर एग्जाम्पल ऑफ ए समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन्स, बी समरूप अंग एनालोगस ऑर्गन, सी अवशेषी अंग वेस्टिजियल ऑर्गन, डी कंकालीय अंग एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, समरूप अंग एनालॉगस ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समरूप अंग विकसित होने के कारण है। एनालॉगस ऑर्गन्स डेवलप ड्यू टू ए अभिसारी विकास, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, बी अपसारी विकास, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सी समानांतर विकास, पैरेलल इवोल्यूशन, डी प्रगतिशील विकास, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी विकास, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की पूंछ और कान का किनारा गर्म प्रदेश में रहने वाले जंतुओं की तुलना में छोटा होता है, यह कहलाता है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ टेल एंड ईयर आर एक्सट्रीमली शॉर्ट इन एनिमल्स लिविंग इन कूलर रीजन्स एज कम्पेयर टू दोज इनहेबिटिंग वार्मर रीजन्स, दिस इज कॉल्ड ए एलन का नियम, एलन्स रूल, बी क्लोजर का नियम, क्लोजर्स रूल, सी वर्गमैन का नियम, वर्गमैन्स रूल, डी जॉर्डन का नियम, जॉर्डन्स रूल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एलन का नियम, एलन्स रूल। बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनके खुले भाग जैसे कि पूंछ, कान और फूट, ये क्या होता है, धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं ताकि इनके माध्यम से टेम्परेचर जो है उसका लॉस कम हो, ताप की हानि कम हो, ये एलन का रूल कहलाता है। इसी को ही क्या कहते हैं, एलन का रूल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 क्वेश्चन,
जीन पूल में प्रवेश के लिए उत्परिवर्तन होना चाहिए. फॉर द एंट्री इन जीन पूल अ म्यूटेशन मस्ट अकर्स इन ए कायिक कोशिका में सोमैटिक सेल्स, बी जनन कोशिका में जर्म सेल्स, सी प्लाज्मा प्रोटीन में प्लाज्मा प्रोटीन, डी कायिक डीएनए में सोमैटिक डीएनए. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जनन कोशिका में जर्म सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. निम्न में से कौन एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक ऑफ बिटवीन एनेलिडा एंड मोलस्का, ए आर्कियोप्टेरिस, बी पेरिपेटस, सी नियोपाइलिना, डी सीलाकेंथ. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नियोपाइलिना. नियोपाइलिना जो होती है वो एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो इरेक्टस नामक वैज्ञानिक नाम है. होमो इरेक्टस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ए जावा एवं पैकिंग मानव का, बी अफ्रीकी मानव का, सी पैकिंग मानव का, डी जावा मानव का. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जावा एंड पैकिंग मानव का. होमो इरेक्टस का होमो इरेक्टस जो है वो वैज्ञानिक नाम है जावा एवं पैकानिक मानव का. अगला प्रश्न है, वर्तमान मानव का संभावित सीधा पूर्वज हो जाता है. द मोस्ट रिसेंट और नियरेस्ट एंड डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट मैन वाज पॉसिबली, ए नियंडरथल, बी क्रोमेगनॉन, सी जावा कपी मानव, डी होमो इरेक्टस पैकियंसिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्रोमेगनॉन. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मनुष्य का सबसे निकट संबंधी है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन, ए ऑरंगुटान, बी जावा मैन, सी क्रोमेगनॉन मैन, डी हाइडलबर्ग मैन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्रोमेगनॉन मैन. क्रोमेगनॉन मैन जो है वो मनुष्य का सबसे निकट संबंधी. फोर्थ क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस क्रोमेगनॉन मानव से किस बात में भिन्न थे. होमो इरेक्टस डिफर्स फ्रॉम क्रोमैग्नन मैन इन, ए सामने की ओर उभरे हुए जबड़ों से, हैविंग प्रोट्रूडेड जॉस, बी ढलवा जबड़ों से, हैविंग रिसाइडिंग जॉस, सी जानवरों के चित्र को बनाने में सक्षम, बीइंग एबल टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, डी उपयुक्त सभी. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सामने की ओर उभरे हुए जबड़ों से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक मानव का निकट संबंधी है. द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मैन इज, ए ऑरंगउटान, बी गिवन, सी चिंपैंजी, डी गोरिल्ला. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चिंपैंजी. चिंपैंजी जो है वो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी माना गया है. अगर हम बात करें आणविक जीव विज्ञान यानी कि मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी के रिसर्च में यह बात क्लियर हुई है कि चिंपैंजी जो है वो आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है. और ये किस रिसर्च जो हुई है, इसका प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक में लिंकेज को देखा जाता है, प्रजातियों को वंशावली के बीच की लिंकेज को डिफाइन करा जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है और उनकी तिथि को ज्ञात करते हैं. तो इसी बायोलॉजिकल क्लॉक के प्रोसेस के थ्रू ये बात प्रूफ हुई है कि जो चिंपैंजी है वो आधुनिक मानव के सबसे निकट संबंधी है. अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा प्रमाण यह दर्शाता है कि मनुष्य अन्य होमिनॉइड कॉपियों की अपेक्षा चिंपैंजी के अधिक निकट संबंधी है. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स शोज दैट मैन इज मोर नियर टू चिंपैंजी देन द अदर होमिनॉइड एप्स, ए केवल लिंग गुणसूत्रों के डीएनए से प्रमाण, एविडेंस फ्रॉम ओनली सेक्स क्रोमोसोम डीएनए, बी केवल गुणसूत्रों की आकरिक तुलना, Only comparison of morphology of chromosomes, C केवल जीवाश्म रिकॉर्ड तथा जीवाश्म माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए द्वारा, Only fossil records and fossil DNA of mitochondria, D लिंग गुणसूत्रों, दैहिक गुणसूत्रों व माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कर्षित डीएनए द्वारा, सेक्स क्रोमोजोम, ऑटोसोम्स एंड डीएनए फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लिंग गुणसूत्रों, दैहिक गुणसूत्रों व माइटोकॉन्ड्रिया से निष्कर्षित डीएनए द्वारा. अगला प्रश्न देखते हैं, क्रोमेगनॉन मानव था. क्रोमेगनॉन वॉज अ, ए है फलभक्षी, बी मांसाहारी कार्निवोर, सी शाकाहारी हर्बीवोर, डी सर्वाहारी. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर्वाहारी. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संरचनाओं का कौन सा निम्नलिखित सेट मानव शरीर के सभी अवशेषी रचनाओं को प्रदर्शित करता है? Which one of the following sets of structures represents all vestigial structures in human body? A. Vermiform appendix शरीर के रोम calcalia. B. अक्कलदाड़ पुक्षकरुक्षाएं पटेला विजडम टीथ कॉकेक्स पटेला. C जो है वो है पुक्षकरुक्षाएं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कर्ण पल्लव की पेशियां. D शरीर के रोम पर्णव की पेशियां शीर्षधरा कशेरुकु बॉडी हेयर एयर मसल्स एंड एटलस वर्टिब्रे. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पुक्षकरुक्षाएं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कर्ण पल्लव की पेशियां कॉकेक्स वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ईयर मसल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक मानव अवशेषी अंग नहीं है? विच वन इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन? ए निमेशक पटल निकिशिएटिंग मेम्ब्रेन बी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स सी कॉकेक्स डी घंटी धापन एपिग्लॉटिस. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एपिग्लॉटिस घंटी धापन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन मैन? ए क्रमिरूप परिशेषिका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बी चंद्रांधवलन प्लीका सेमी ल्यूनेरिसिस सी ईयर मसल्स कर्णपेशी डी एपिग्लॉटिस. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी एपिग्लॉटिस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एलोपैट्रिक स्पेशिएशन होता है. एलोपैट्रिक स्पेशिएशन इज ड्यू टू ए भौगोलिक पृथक्करण एवं जननी पृथक्करण की अंतःक्रीड़ा के कारण इंटरप्ले ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बी भौगोलिक पृथक्करण के कारण जियोग्राफिकल आइसोलेशन सी पृथक्करण के कारण आइसोलेशन डी जननी पृथक्करण के कारण रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी भौगोलिक पृथक्करण के कारण जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन होमोसेपियंस प्रकट हुआ केवल होमोसेपियंस अपीयर्ड ऑन द सीन ओनली ए 20,000 वर्षों पूर्व बी 10,000 वर्षों पूर्व सी 40,000 वर्षों पूर्व डी उपयुक्त कोई नहीं. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 10,000 वर्षों पूर्व. वर्तमान मानव क्रोमैग्नॉन से एक भिन्न उपजाति होमोसेपियंस है. ठीक है, तो इनका कपाल कैसा होता है? इनका जो सर होता है वो उठा हुआ होता है और कपाल अस्थियां पतली तथा कपाल गुहा का आयतन कितना होता है? 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर रहता है. अगला प्रश्न है इनमें से कौन हाल ही में खोजा गया वर्टिब्रेट जीवाश्म है जिसमें कार्पसल्स पाया जाता था और जो मत्स्य एवं टेट्रापॉड के बीच का मिसिंग लिंक माना गया? Which of these is the recently discovered vertebrate fossils that had carpals and is believed to the missing link between fishes and tetrapods? A. Archaeopteryx B. Stegosaurus C. Latimeria D. Tiktaalik. The correct answer is option number D. Tiktaalik. Tiktaalik जो है वो एक बहुत ही well preserved जीवाश्म fossil है जो कि 2004 में ये कब पाया गया? 2004 में पाया गया और कहाँ पाया गया? ये कनाडा में एक जगह है जिसका नाम है नुनावत. नुनावत में भी एक आइलैंड है. इस आइलैंड का नाम है एली समरे. यहाँ पर ये जीवाश्म पाया गया है और यही जीवाश्म जो है वो मत्स्य और वर्टिब्रेट के बीच की एक मिसिंग लिंक माना गया है. अगला प्रश्न है 74th क्वेश्चन पेरिपेटस एक संयोजन कड़ी किनके मध्य है? पेरिपेटस इज अ कनेक्टिक लिंक बिटवीन ए एनेलिडा एंड मोलस्का बी मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा सी एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा डी आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. पेरिपेटस जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में. नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्थियोस्टेका
में मत्स्य एवं उभयचर दोनों के गुण उपस्थित थे यह पाया गया। इक्थियोस्टेगा हैविंग कैरेक्टर ऑफ बोथ फिश एंड एम्फीबियंस इज फाउंड इन ए आइसलैंड, बी ग्रीनलैंड, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड। 76 क्वेश्चन देखते हैं। स्फेनोडॉन जो कि एक जीवित जीवाश्म है किस समूह से संबंधित है। स्फेनोडॉन अ लिविंग फॉसिल बिलोंग्स टू ए रिंकोसिफेलिया, बी क्रोकोडाइला, सी एनेप्सिडा, डी यूरोडिला। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए रिंकोसिफेलिया। इसके ये जो है इसका ऑप्शन ए सही है, रिंकोसिफेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 77 निम्नलिखित में कौन आदि वातावरण में अनुपस्थित था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट प्रेजेंट इन द प्रिमिटिव एनवायरमेंट। ए अमोनिया, बी नाइट्रोजन, सी मीथेन, डी ऑक्सीजन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपेट्रिक स्पीसीज वे होते हैं। सिंपेट्रिक स्पीसीज आर दोज ए जो समान भौगोलिक भागों में रहते हो, विच ऑक्यूपाइज सेम ज्योग्राफिक एरिया, बी जो विभिन्न भौगोलिक भागों में रहते हो, विच ऑक्यूपाई डिफरेंट ज्योग्राफिक एरिया, सी इनमें से जिसमें दो या अधिक सब स्पीसीज हो, विच कंटेन टू और मोर सब स्पीसीज, डी जिसमें एक सब स्पीसीज हो, विच हैज सिंगल सब स्पीसीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 78 की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित की जाती है। द जियोलॉजिकल एज ऑफ अ रॉक इज डिटरमाइंड बाय ए जीवाश्म वनस्पति जात तथा प्राणी जात के द्वारा, द फॉसिल फ्लोरा एंड फौना, बी चट्टानों की रासायनिक संघटना के द्वारा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक, सी विकर्णिमिति काल निर्धारण के द्वारा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, डी स्पेक्ट्रोमिटी आंकड़ों के द्वारा, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी विकरण मिति काल निर्धारण के द्वारा, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन देखते हैं। अंबर एक है, अंबर इज अ ए पाइनस का खाने योग्य भाग, एडिबल पार्ट ऑफ पाइनस, बी साइकस का फल, फ्रूट ऑफ साइकस, सी जीवाश्म रेजिन, फोजिल रेजिन, डी इफेड्रा का बीज, सीड ऑफ इफेड्रा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म रेजिन। अंबर जो है ये चीड़ का पेड़ सुना है ना आप लोगों ने, चीड़ के जो प्रिजर्व्ड रेजिन होता है उसको अंबर बोलते हैं। सुरक्षित परिरक्षित प्रिजर्व्ड रेजिन जो होता है चीड़ के पेड़ का उसको अंबर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 81 क्वेश्चन है। फाइलोजेनी की अवधारणा किसने विकसित की। हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ फाइलोजेनी। ए लीनियस, बी लैमार्क, सी हिप्पोक्रेटस, डी हीकल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी हीकल। ठीक है, फाइलोजेनी की अवधारणा जो थी वो अर्नेस्ट हीकल ने विकसित की थी और इन्होंने फाइलोजेनी शब्द जो था वो कब दिया था, 1866 में दिया था। अगला प्रश्न है 82 प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा नियम परिभाषित करता है कि प्राणियों के उपांग उभार यथा पूंछ, पैर व सींग ठंड वाले क्षेत्रों में छोटे होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल एक्सप्लेन्स दैट द एक्सट्रीमिटीज सच एज ट्रेल्स, लेग्स एंड हॉर्न ऑफ एनिमल्स आर शॉर्टर इन कोल्डर रीजन। ए बर्गमैन का नियम, बर्गमैन्स रूल, बी ग्लोगन का नियम, ग्लोगन्स रूल, सी जॉर्डन का नियम, जॉर्डन्स रूल, डी एलन का नियम, एलन्स रूल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी एलन का नियम, एलन्स रूल। एलन के नियम के अनुसार, एलन का नियम है क्या, एलन का नियम कहता है कि गर्म क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों की अपेक्षा ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले प्राणियों के उपांग जैसे पूंछ, पैर व सींग आदि प्रायः छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वंश वृक्ष के अध्ययन से संबंधित है।
Which of the following is related to the study of phylogenetic tree? A. Ideogram, B. Electropherogram, C. Cladogram, D. Chromatogram. The correct answer is option number C, cladogram. जीवों को उनकी समानता और भिन्नताओं के आधार पर व्यवस्थित करने पर तैयार जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है उसी को ही क्लेडोग्राम कहते हैं. ठीक है, जो फाइलोजेनेटिक ट्री होता है उसी को ही क्लेडोग्राम कहा जाता है. अगला प्रश्न है 84. असंबंध समूह के प्राणियों का परिवर्धन जो समान वातावरण के अनुकूलन के लिए समानांतर होता है कहलाता है. डेवलपमेंट ऑफ अनरिलेटेड ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स अलॉन्ग पैरेलल लाइंस इन अडेप्टेशन टू अ सिमिलर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ए. अनुकूली समभिरूपता, अडेप्टिव कन्वर्जेंस, बी. अनुकूली प्रसारण, अडेप्टिव रेडिएशन, सी. अनुकूली अप्रसारण, अडेप्टिव डाइवर्जेंस, डी. अनुकूली अधिस्थापन, अडेप्टिव इंडक्शन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अनुकूली समाभिरूपता, अडेप्टिव कन्वर्जेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी की प्रधान वनस्पतियां थी. 200 मिलियन ईयर एगो द डोमिनेंट फ्लोरा ऑफ अर्थ वॉज ए. आर्कियोबैक्टीरिया, बी. मॉस और फर्न, सी. अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म्स, डी. आवृतबीजी एंजियोस्पर्म्स. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनावृतबीजी जिम्नोस्पर्म्स. अनावृतबीजी यानी कि जो जिम्नोस्पर्म्स ट्री थे उनकी उत्पत्ति पैलियोजॉइक एरा में ही हो गई थी और ये मीजोजॉइक एरा तक के साथ साथ ट्रायसिक एरा में भी थे, जुरैसिक एरा में भी प्रेजेंट थे और बहुत ही व्यापक स्तर पर प्रधान पृथ्वी पर जो सबसे ज्यादा वनस्पति पाई जाती थी वो जिम्नोस्पर्म ही थी. अगला प्रश्न देखते हैं 86 क्वेश्चन. अंडा देने वाले स्तनियों का उद्भव किस कल्प में हुआ? ओविपेरस मैमल्स ओरिजिनेटेड इन द पीरियड ए. परमियन, बी. ट्रायसिक, सी. जुरैसिक, डी. क्रिटेशियस. करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रायसिक. ट्रायसिक पीरियड में ओविपेरस मैमल्स का ओरिजिनेशन हुआ था. अगला प्रश्न देखते हैं 87th क्वेश्चन. एक जीवाश्म कहां जीव का कोई कार्बनिक पदार्थ उपस्थित ना रहे कहा जाता है? अ फॉसिल वेयर नो ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट प्रेजेंट इज कॉल्ड ए. कास्ट, बी. पेट्रीफैक्शन, सी. कंप्रेशन, डी. इंप्रेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पेट्रीफैक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88th क्वेश्चन. नियंडरथल मानव का प्रथम जीवाश्म प्राप्त हुआ. फॉसिल ऑफ द नियंडरथल मैन वाज फर्स्ट फाउंड इन ए. फ्रांस में, बी. चीन में, सी. जर्मनी में, डी. मिस्र में. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में. अगला प्रश्न देखते हैं. महाकल्पों का कौन सा क्रम सही है? द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एरा इज ए. आर्कियोजॉइक, पैलियोजॉइक, प्रोटियोजॉइक. बी. आर्कियोजॉइक, प्रोटियोजॉइक, पैलियोजॉइक, सी. प्रोटियोजॉइक, आर्कियोजॉइक, पैलियोजॉइक, डी. पैलियोजॉइक, प्रोटियोजॉइक, मीजोजॉइक. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्कियोजॉइक, प्रोटियोजॉइक, पैलियोजॉइक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कौन सा महाकल्प स्तनधारियों का युग कहलाता है? विच एरा इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ मैमल्स ए. प्री कैम्ब्रियन, बी. पैलियोजॉइक, सी. मीजोजॉइक, डी. सीनोजॉइक. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सीनोजॉइक. सीनोजॉइक जो है वो एज ऑफ मैमल्स कहलाता है. अगला प्रश्न देखते हैं. पुष्पीय शाकीय पौधों का धरती पर प्रधानता थी. फ्लॉवरिंग हर्बेसियस प्लांट्स डोमिनेटेड द अर्थ ड्यूरिंग ए. होलोसीन, बी. प्लायोसीन, सी. मायोसीन, डी. ईओसीन. तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्लायोसीन. प्लायोसीन युग का प्रारंभ कब हुआ था? प्लायोसीन युग का प्रारंभ जो है वो लगभग 51 लाख वर्ष पूर्व हुआ था और इसकी अवधि कितने वर्ष तक थी, कितने लंबे टाइम तक ये एरा चला था? तो ये चला था 31 लाख वर्ष तक. और जलवायु की बात करें तो जलवायु उस समय ठंडी रहती थी जिसके कारण बहुत सारे जो घने जंगल थे वो नष्ट होने लगे थे
और उनकी जगह पर हर्बेशियस पुष्पित या बीज पत्री पादपों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, 92 प्रश्न है, लूसी तथा डब्ल्यूटी 1500 क्या है? लूसी एंड डब्ल्यूटी 1500 आर ए क्रमशः कुत्ते तथा वायुयान के नाम, बी पक्षियों तथा स्तनियों के बीच संयोजन उत्तक कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वर्ड एंड एंड मैमल्स, सी होमोनिड पूर्वज के जीवाश्म फॉसिल ऑफ होमोनिड एंसेस्टर, डी जीवित जीवाश्म लिविंग फॉसिल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, होमोनिड पूर्वज के जीवाश्म फॉसिल ऑफ होमोनिड एंसेस्टर। ये जो है लूसी और डब्ल्यू टी 1500 ये होमोनिड पूर्वज के फॉसिल्स होते हैं, और इसकी खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी डोनाल्ड ने, डोनाल्ड जोहानसन ने की थी। कब की थी? 1974 में की थी। और डब्ल्यू टी 1500 इसकी खोज किसने की थी? डब्ल्यू टी 1500 की खोज जो थी वो कमोया किमेयू ने की थी। इनका नाम आप याद रखिएगा, कमोया किमेयू, इन्होंने डब्ल्यू टी 500 की खोज की थी और कहाँ की थी? उत्तरी केन्या में की थी। तो ये थे हमारे इवोल्यूशन जैविक विकास से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।